50 से तजावुज कर गई है। इस पे बात करते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे अजमत अली से। अजमत, बताइएगा क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं इससे बचने के लिए और मरीजों को क्या तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताकाल के इलाके जो कि पिशावर में सबसे ज़्यादा डेंगू से मुतासर इलाका है। यहाँ पे जितने भी इलाका मकीन है वो आज सुबह से यहाँ पे जमा हुए क्योंकि कल रात एक और जो है शख्स इस मरज़ से जो है हलाक हुआ है। और दूसरी जानब जो यहाँ पे इलाके हैं उसमें तकरीबन जो रात को जाबहक अफराद के साथ 10 अफराद जो हैं इस मरज़ से जो है जाबहक हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो है इलाका नाजिम नूरवली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि अभी तक हुकूमती इकदाम क्या हैं और क्या किए गए। बताएंगे सर कि यहाँ पे अभी तक हुकूमती इकदाम क्या है, इतने कैजुअल्टीज होंगे फिर क्या जो है अभी तक हुकूमत को जो है नज़र नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हुकूमती इकदाम कुछ होती डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब डीसी की तरफ से इंतजामिया की तरफ से तो यहाँ पे 10 बंदे ना मरते और 2800 बंदे जो है वो अभी ज़ेर इलाज हैं कुछ घरों में और कुछ अस्पतालों में। इन्होंने कैंप लगाया। खबर दें आपको कराची से। कराची में गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल रहमतुल्ला की नमाज़े जनाजा